हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर से। तो क्वेश्चन है, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm राइज स्टेडीली थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1750 kg per m³ एट द रेट ऑफ 0.35 cm/s। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी ऑफ एयर नेग्लिजिबल दी हुए है। तो इस क्वेश्चन में एक एयर बबल है और वो ऊपर जा रहा है 0.35 cm/s की स्पीड से। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन में लगने वाले कंसेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले आपको एक एयर बबल ड्रॉ करना है, फिर इस पर बायंसी फोर्स लगेंगी ऊपर की तरफ, और जो विस्कस फोर्स है जो मोशन को अपोज करेगी वो लगेंगी नीचे की तरफ। और हमें इसमें mg नहीं इंक्लूड करना है, यानी खुद का वेट इस पर नहीं एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल, तो इसका मास भी नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, फिर अब फोर्स ऑफ बायंसी किसके बराबर होती है? तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होती है, यानी mg के बराबर होगा, और mg ऑफ जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका। और फिर m की जगह हम डालेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³, और डेंसिटी रो दी है, तो ये लगेंगे बायंसी फोर्स। और फिर विस्कस फोर्स, अब स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होता है तो अब हमें लगाना पड़ता है स्टोक्स लॉ। तो उसकी जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जो निकल के आती है वो आती है 6 πηr v। यहाँ पर r रेडियस होती है और v वेलोसिटी होती है, और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो अब हमें दिया है कि वो लिक्विड 0.35 cm/s के रेट से जा रहा है, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी फोर्स उस पर जीरो होंगे। तो इस केस में फोर्सेस दोनों बैलेंस होनी चाहिए, यानी एफ शुड बी इक्वल्स टू बी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी शुड बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बायंसी। ठीक है, तो चलिए आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। तो एफ इक्वल्स टू बी करने पर 6 πηr v इज इक्वल टू 4/3 πr³ × ρg। तो यहाँ से ईटा के टर्म्स में हम अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2 r² ρg/9 v। और फिर हम दिए हुए वैल्यूज SI यूनिट में डालेंगे, तो फिर हमें ये कैलकुलेशन करने पर 11 poise इसका आंसर आता है। ये ध्यान रखिए कि जब ये जो पॉइज यूनिट होता है वो CGS यूनिट होता है, और इसका जो SI यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वो पॉइज़ले होता है, और इनका जो रिलेशन है 1 poise इज इक्वल टू 0.1 N/s², यानी 1 poise इज इक्वल टू 0.1 पॉइज़ले। ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।